ईश्वर आपका स्वागत है। लाइव पहला सेशन है, आप अपना फीडबैक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर है उसमें आप मेरे को जरूर बताना कैसा रहा आपका सेशन। एक प्रार्थना से शुरू करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, शरीर को स्थिर और कड़क बिठा लीजिए। तीन बार ओंकार करेंगे और प्रार्थना करेंगे। यहाँ पे हम रोज कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, तो आज पहला दिन है तो थोड़ा लाइट लाइट करेंगे। सीरीज होगी, थोड़ा सा वार्म अप होगा, योगा होगा, एक्सरसाइज होगी और फिर प्राणायाम में अपने आप को ढालेंगे और लास्ट में हम मेडिटेशन करके हम इस सेशन का अभिवादन करेंगे। तो छाती टाइट कीजिए, गहरी सांस भरें और कपालभाति शुरू करें। विश्राम कीजिए। मेरा वीडियो चालक है, एक पप्पा वाले सांस को बाहर फेंके एक बार और पेट को अंदर बार हिलाएंगे, सांस को बाहर रोकें। जब तक आपका कैपेसिटी
सांस बाहर रोकने का है तब तक आप पेट को अंदर बार हिला दीजिए ताकि पेट पे जमी हुई चर्बी आप धीरे धीरे फैलने लगे। एंड लेट सेकंड राउंड करेंगे। गहरी सांस भरी, सांस को बाहर फेंकते हुए कपाल भाती शुरू करें। विश्राम कीजिए, गहरी सांस भरे, सांस को बाहर फेंके, पेट को अंदर ले जाए, सांस बाहर रोके और पेट को अंदर बार हिलाकर अग्निसार की क्रिया करें। और विश्राम करें। तीसरा राउंड करेंगे। गहरी सांस भरी और सांस छोड़ते हुए कपाल भाती शुरू करें। और विश्राम कीजिए, सांस भरे, सांस को बाहर फेंकते हुए अग्निसार कीजिए। हमारा शरीर हड्डी के बेस है तो लंबर पार्ट और सर्वाइकल पार्ट ये दो मेन लचीले होते हैं और सर्वाइकल में प्रॉब्लम रहा तो हमारा ये जो हड्डी है तो हाथों में कंधों में और गर्दन में दर्द रहता है। लंबर पार्ट में प्रॉब्लम रहा तो कमर दर्द से नीचे जाती हुई सारी नाड़ियां पूरी पैरों में लेते हुए कवर होती है तो वो सारा ये दर्द आता है। आज हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के लंबर पार्ट और सर्वाइकल पार्ट खोलेंगे। राइट हैंड को सीधा दीजिए और कान कंधे से लगा दीजिए और हथेली को टाइट करें और हरेक कपाल भाती के स्ट्रोक के साथ कंधे को उठाइए। एंड रिलैक्स कीजिए, फिर से गहरी सांस भरें, सांस बाहर फेंके, सांस बाहर रोके और अग्निसार कीजिए। पेट को जितनी बार हिलाएंगे अंदर दबा देंगे उतनी बार पेट खाली हो जाएगा। सामान देखना पेट को थोड़ा सा अंदर पकड़ के रखें, आधा इंच टमी को अंदर दबाइए, लेफ्ट हैंड उठाइए
हथेली टाइट कीजिए, कान कंधे से लगाइए और हर स्ट्रोक के साथ हथेली को कंधे को उठाएंगे। गहरी सांस भरें और शुरू कीजिए। और विश्राम कीजिए, फिर से गहरी सांस भरें और सांस बाहर छोड़ते हुए और विश्राम में चले जाएं। भीतर परिवर्तन देखें। अब दोनों हाथ उठाकर आपकी लेफ्ट साइड रखें और लेफ्ट साइड देखें, रीढ़ की हड्डी कड़क और सीधी कर, छाती कड़क कीजिए और गहरी सांस भरें और सांस छोड़ते वक्त कपालभाति के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे शरीर को। शुरू करें। और विश्राम कीजिए, वापस आए, गहरी सांस भरे, सांस बाहर फेंके, सांस बाहर रोके और अग्निसार कीजिए। अग्निसार में सांस बाहर रोकना है और पेट को अंदर बार हिलाते जा। और विश्राम में चले जाएं। धीरे से आपकी राइट साइड जाएं। दोनों हथेली जमीन पे रख सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं रख सकते तो राइट हैंड को कड़क कीजिए। अब छाती को कड़क कीजिए, पूरी राइट साइड सामने देखें, गहरी सांस भरें, छाती से ट्विस्ट, कमर से ट्विस्ट होने का प्रयास कीजिए और कपालभाति शुरू। और विश्राम, गहरी सांस भरें और अग्निसार कीजिए, सांस बाहर फेंके और सांस बाहर रोकते हुए पेट को अंदर बाहर करते जाएं, हिलाते जाएं। आंखें खोलें अगर बंद है तो। अब लेफ्ट साइड से कमर की साइड से आप लेफ्ट साइड ले जाएं, जहां तक आप हाथ सीधा कर सकते हो और अपनी कोहनी जमीन पे लग सकती है इस तरह।
बहुत ज्यादा नहीं, वरना कहीं कहीं खिंचाव महसूस होगा। अगर बाई चांस करते करते कोई खिंचाव असह्य क्रॉनिक है तो वो स्टेप आप छोड़ देना। राइट हैंड सीधा कीजिए और राइट हैंड को कंधे, राइट कंधा कान से लगाइए और राइट साइड स्ट्रोक लगाएंगे, गहरी सांस भरें और ये हाथ का पंजा है वो अपनी लेफ्ट दीवार की ओर जाएगा जहां पे भी आप बैठे हो। गहरी सांस भरें और शुरू कीजिए कंधे को खींचने का। राइट साइड थोड़ा सा मसाज कीजिए, गहरी सांस भरे। अब आंखें बंद रखें और अग्नि सार कीजिए। और विश्राम कीजिए, आंखें खोले। अब राइट हैंड राइट कमर के साथ साथ जहां तक ले जा सकते हैं, लेफ्ट हैंड को उठाएं और लेफ्ट कंधा कान को लगाएं। हथेली टाइट कीजिए और आपकी राइट साइड खींचेंगे पूरी शरीर को। गहरी सांस भरें और कपालभाति शुरू करें। लेफ्ट साइड मसाज करें। और फिर अपनी सार करें, गहरी सांस भरें, सांस को बाहर फेंकें, आंखें बंद करें और पेट को अंदर बाहर दें। तब तक हिलाना है जब तक आपकी कैपेसिटी सांस रोकने की बाहर, जितना आप रोक सकते। और विश्राम, आंखें बंद रखे थोड़ी देर और प्राण को महसूस कीजिए, ऊर्जा को महसूस कीजिए। धीरे से पैर को फ्री करते हैं, पैर को सीधा करते, आंखें खोलें, छाती कड़क कर दीजिए और हाथ यहाँ पे रखें। छाती हमेशा कड़क रहनी चाहिए, पेट हमेशा अंदर की ओर रहना चाहिए। पंजे को अपनी ओर खींचो और सिर्फ उंगलियों को पॉइंट कीजिए, अप एंड डाउन उंगलियां। याद रहे पैर का पंजा नहीं। 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे हम 50 तक जाएंगे। आपको इसमें दर्द महसूस होगा, आ
जमीन हिलाए, पैर को हल्का सा ठोक दे, हिला दे एक दूसरे के साथ, उसको लव कराए। अब पैर के पंजे को बाहर और अंदर खींचो। जिनको पैरों का दर्द रहता है, कमर का दर्द रहता है, ये इसके लिए ये सारी एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब कितनी करते हो और कितनी देर आप शरीर को टाइम देते हो, उसके ऊपर आपका शरीर बनता है। जब कोई भी जॉइंट को 5-7 बार हिलाते हैं तो वो ढीला हो जाता है। उससे ज्यादा अधिक हम हिलाने लगते हैं तो उसके ऊपर काम होना शुरू हो जाता है, सारी नाड़ियां फिर खुलने लगती हैं, सर्कुलेशन पावरफुल बनने लगता है और वो नाड़ियों में मसल्स में स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाती है। और विश्राम करो। अब मैंने घुटने को दबाएंगे, घुटने को टाइट और ढीला, फिर घुटना। और विश्राम कीजिए और पैरों को नमस्कार पोजीशन में, जिसको योगा में बटरफ्लाई कहते हैं, और ये पैरों को हिलाइए ताकि यहाँ पे पेल्विस के साथ आपका जो भी फैट है वो लूज होने लगे, जिसका घुटना जमीन पे नहीं लग रहा है वो अपनी कमाई पे हंस सकते हैं बैठे बैठे, हंसते हंसते करना चाहिए इसको, तो प्रसन्न योगा कहते हैं। वो लटकाए ना फिरे, अगर मेरा म्यूजिक आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो आप अपना म्यूजिक भी लगाइए दिन चकवा। अब धीरे से छाती कड़क करें, हाथ कीजिए। अब यहाँ पे कपाल भाती के स्ट्रोक लगाइए, गहरी सांस भरें और कपाल भाती शुरू करें। काम कीजिए इसी पोजीशन में, सांस भरे और अपनी सांस लीजिए, सांस बाहर फेंके और पेट को अंदर बाहर हो। अब राइट है, जितना आगे ले जा सकते उतना ले जाओ, मेरी तरफ देखिए, और लेफ्ट हैंड कंधे के साथ लगाइए। गहरी सांस भरेंगे और कपाल भाती करते करते ये जो लेफ्ट हाथ है उसको आगे लेके जाएं। गहरी सांस भरें, अब
लेफ्ट हाथ को नीचे रखेंगे तो आप देख पाओगे राइट से लेफ्ट एक कदम आगे निकल जाएगा। अब राइट हैंड उठाएंगे और स्ट्रेट कीजिए बाहर की ओर कपालभाति करते हैं। और विश्राम कीजिए, हाथ को नीचे रखिए और देखोगे तो लेफ्ट से राइट और आगे चला गया। अब लेफ्ट को वापस उठाइए और एक बार करेंगे, गहरी सांस भरे और दृष्टि नीचे की ओर रखें और कान कंधे से खींचते जाना, शुरू करें। और लेफ्ट को नीचे रखिए, राइट को खींचिए और शुरू करें। और दोनों हाथ नीचे रखें, आपका कपाल जमीन पे लगता है तो बहुत बढ़िया, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, आंखें बंद रखें और गहरी सांस भरे और उंगलियों को सीटी की तरह चलाते चलाते आगे बढ़ना है और कपालभाति करते रहना है। शुरू करें कपालभाति। हाथ को कंधे के नीचे लाए, अब धीरे धीरे ऊपर और ऊर्जा के नए प्रवाह को महसूस कीजिए और सर के भाग में वाइब्रेशन महसूस कीजिए। फील द फ्लो ऑफ एनर्जी। धीरे से कमर के बल लेट जाना है। हाथों से पैर का घुटने का निचला पार्ट पकड़े, पैर और कड़ा करते हैं ऊपर की ओर, नीचे वाला पैर भी टाइट कीजिए। अब पैर को जितना नीचे ला सकते हो इतना नीचे लाना है और ऊपर। अगर मान लो घुटने में दर्द है तो ये उंगलियों से ऐसे दबाते दबाते मसाज करते जाए, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और धीरे से पैर को मोड़े और
और छाती की ओर लाने की चेष्टा करें और पैर के पंजे घुटने की लाइन में रहें। याद रहे सर उठाना नहीं है। अक्सर हम लोग नाक घुटने को लगे वो चेष्टा में लगे रहते हैं। इसी पोजीशन में नजदीक लाइए पैर को और थोड़ा नजदीक लाइए और थोड़ा नजदीक लाइए और थोड़ा नजदीक और करके रखें। दोनों हाथों को घुटने के नीचे बांध दें और पैरों को नीचे ऊपर कीजिए घुटने के साथ ऊपर 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 एंड रिलैक्स। पैरों को बाहर से लॉक कीजिए और घुटना छाती की ओर लाने की चेष्टा। याद रहे सर नहीं उठाना। और विश्राम जैसे हम वाइब्रेशन मशीन पे बैठते हैं तो वाइब्रेशन से हमारी नाड़ियां खुलती हैं। तो आज हम वाइब्रेशन का फील करेंगे। राइट हिप को दबाएंगे छोड़ेंगे, लेफ्ट को दबाएंगे छोड़ेंगे, राइट दबाएंगे लेफ्ट। आंखें बंद करें, राइट लेफ्ट राइट। यहाँ तक तो है ही है। सीधा करें बोले सीधा बोले सीधा बोले सीधा सीधा फोर फाइव
अब दोनों पैरों को बांध ले और छाती की ओर याद रहे सर जमीन पे। अब घुटने को छाती की ओर खींचते जाओ और दबाते जाओ और पकड़ के रखो पूरा टाइट से। अब पैरों को जमीन पे रखो, हाथ घुटने पे रखो, गर्दन हल्की उठा लो और दाएं बाएं मोड़कर चेक कर लो टाइट न हो और दाढ़ी ऊपर की ओर हो। हाथ जहां तक जा सकता है वहां तक आप हाथ को छाती को कड़क करो, हाथ को सीधा करो। अब यहां से घुटने से हम थोड़ा और आगे उठेंगे छाती की ओर से, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। दाढ़ी और छाती में गैप रखते, ऊपर नीचे, 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 ऊपर नीचे। हाथों को ऐसे गोलाकार घुमाते हैं, पूरा कंधे को गोलाकार घुमाओ। ये सब लेटे लेटे करने वाले, बैठे बैठे बेड पे करने वाले आसन है, इसको आलसी आसन कहते हैं। ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है। हाँ, जिनको कुछ ना कुछ करना है वो कहीं पे भी कर सकता है, और जिनको करना ही नहीं है उस समय वेट कर दो। पैर को सीधा कर, अब हाथ को पीछे ले जाओ और हाथ का गोलाकार बनाते हुए पैर को छुओ उठकर, वन ऐसे उठकर छूना है और पूरा हाथ का कंधे का गोलाकार बनाते हैं, टू थ्री फोर, याद रहे दाढ़ी और छाती के बीच में आना है, फाइव, गर्दन को न उठाना है, छाती को उठाना है, कंधे को उठाना है, सिक्स सेवन नाइन करने जा रहे हैं। हाथ साइड पे रखे, दोनों घुटने को इकट्ठा करें, दोनों पैर के पंजे इकट्ठा करें। अब दोनों घुटने को आप लेफ्ट राइट साइड झुकाएं, लेफ्ट की ओर देखें, ऐसे लेफ्ट और राइट, लेफ्ट
साइड झुकाते जाएं, पीठ के बीच में जो पार्ट है जो जमीन पे टच नहीं होता है, हम क्या करेंगे उसको कपालभाति करा के इसको टच कराएंगे। इसी पोजीशन में हमें पेट को अंदर दबाना है, गहरी सांस भरें और कपालभाति शुरू करते करते पूरे पेट को अंदर नाभि को रीढ़ की हड्डी तक खींच के ले जाएं। कपालभाति के स्ट्रोक मारते रहे, और विश्राम कीजिए। गहरी सांस भरें, पैरों को सीधा करते हुए सांस को ढीला, गहरी सांस भरें और पूरे पैर को भरते जाए सांस को पेट के नीचे के पार्ट। और ढीला गहरी सांस भरे, पूरे कंधे के पार्ट को, हाथ के पार्ट को, चेहरे के पार्ट को भरते जाए। और ढीला फिर से गहरी सांस भरें, इस बार पेट और पैर दोनों भरें, पेट को फैलाएं और पैर को फैलाएं। और ढीला सांस भरे, छाती, हाथ, कंधे और चेहरा सब फुलाए और फैला। और फैला और ढीला फिर गहरी सांस भरें, पेट फैलाएं
छाती फैला, और ढीला, अब बारीकी से सांस भरेंगे, शरीर का एक एक अंग फैलाते जाएं, सांस भरे, पेट, छाती, कंधे, हाथ, गला, चेहरा, घुटना, पैर के पंजे, पूरा शरीर। अब कमर का पार्ट जो ऊपर उठ गया है उसको जमीन पे दबाओ और दबाए और पूरा सांस भर के रखे और भरे, रोके 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 और दीना। आंखों को बंदी रखेंगे, दोनों आईब्रो के बीच दृष्टि रहे, नासिका में सांस पे दृष्टि रहे, होठों पे दृष्टि रहे, मुस्कुराहट दीजिए, अपने आप को प्रसन्न चित कर दीजिए। सांस फिर चल रहा है, शरीर अचल है, जिस तरह सृष्टि पांच तत्वों से बनी है उसी तरह उस पांच तत्वों से हम बने हैं। शरीर को पृथ्वी तत्व कहते हैं, जो मिट्टी में पृथ्वी में मिल जाने वाला है, वहीं से आया है। तो पूर्ण हृदय से अपने शरीर के प्रति कृतज्ञ हो जाए। अपना शरीर एक पवित्र स्थान है, पवित्र स्थान में ईश्वर रहते हैं आत्मा के रूप में। जैसा भी हो आपका शरीर अपना, उसे प्यार करें, पसंद करें। इस अचल शरीर में सांस चल रही है, चलाई मन वायु देवता हमारे आसपास और भीतर, उनके प्रति कृतज्ञ हो जाए। उनकी सूक्ष्मता का एहसास कीजिए। हमारी नस नाड़ियों में जल के रूप में खून बह रहा है, पूरा शरीर 70% पानी से भरा हो। हमारे विचार हमारे शब्द इस पानी को चार्ज करते रहते हैं। अगर हम पॉजिटिव शब्द और पॉजिटिव विचार करते हैं
तो ये हमारे शरीर में से तनाव निकाल देते हैं, नस नाड़ियों में बहते खून के रूप में ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए। इस वक्त शरीर में हर क्रियाएं चल रही है, नाड़ियों में धबकार हो रही, बंद आंखों से भी आप देख रहे हो, हृदय धड़क रहा है, नाड़ियों में संसेशन हो रहा है, ये सब अग्नि के आभार है। सूरज बाहर है, उस अग्नि से जगत चलता है, हमारे भीतर की अग्नि से पूरा जीवन चलता है। इस अग्नि देवता के प्रति कृतज्ञ, हमारे भीतर खाली जगह है महसूस कीजिए, कि शरीर खाली जगह में महसूस कीजिए, इसी को आकाश कहते हैं। दो हड्डियों के बीच में जो गैप है उसी को आकाश कहते हैं। ईश्वर इस आकाश के रूप में विद्यमान है, हमारी आत्मा एनर्जी आकाश में खाली है। पूर्ण हृदय से इस शरीर का, शरीर देने वाले माता पिता ईश्वर का, अपने अपने गुरु का शुक्रिया अदा कीजिए। मन ही मन सबके लिए कल्याण की भावना, सबको सुख शांति मुक्ति समृद्धि प्रदान, लोका समस्ता धीरे से आंखें बंद रखती है, आनंद की अंगड़ाइयां दो, हर तरह से शरीर को कहीं पे भी टाइट हो तो उसको ढीला कीजिए। अच्छी वाली आनंद की अंगड़ाइयां लेते हुए दाहिनी ओर करवट लीजिए और उठकर बैठ जाए। अस्तित्व को महसूस कीजिए, गहरी लंबी सांस,
दोनों आईब्रो के बीच दृष्टि रखें, नासिका पे सांस की दृष्टि रखें, बिना शरीर हिलाए सिर्फ आंखें खोलें। आज का लेसन रहे आपके लिए, आपकी सांसों को आपको प्रेम करना, पसंद करना, बस आपकी दृष्टि सांस पे रहे और आप संसार की एक्टिविटी करते ये आपका। दूसरा, आज के लिए दो पांच मिनट इधर उधर हुआ हो तो क्षमा कीजिए। आपका फीडबैक हमें व्हाट्सएप पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर ही है चैनल में, आप हमें जरूर लिख के भेजिए ताकि हम कुछ सुधारा कर पाए और आपको बेहतरीन कुछ कराने की उत्साह बढ़े हमारा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे इस यात्रा को जिन जिन लोगों ने अपने आईपो क्लीनिंग से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं उनको आगे शेयर कीजिए ताकि वो लोग इस योगा का शांति का अनुभव ले। जय जी, नमस्ते। आपका दिन शुभ रहे, मस्त रहे।